हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउट नेट पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, आपका बायोलॉजी फैकल्टी, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर वन शॉट देने का वादा था और लीजिए, आपके वादे पे हाजिर है आज आपका टीचर और आपका दोस्त, आपका भाई योगेश चंद्र शुक्ला। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, वन शॉट होगा, थोड़ी लंबी क्लास होगी। अपने समय को, अपनी टिक 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 को, फोन को, सबको साइड पे रख के पढ़ते रहना, क्योंकि ये अगले मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके टॉपिक, एमसीक्यू, सारी चीजें आपको मिलेंगी, सारी चीजें आज के सेशन पे। एक लंबा सेशन होगा क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है, तो मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा धीरे धीरे करके, हर चैप्टर के मोन मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसके जो इजिएस्ट वे होगा पढ़ने का, वो सारी चीज आज आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। तो सारे बच्चे हो जाइए तैयार, क्योंकि ये वन शॉट आपको बोर्ड के लिए, साथ ही साथ नीट के लिए भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हर एक बिंदु पे होगी हमारी करारी नजर, एकदम तीखी नजर मारेंगे हर एक टॉपिक पे। मित्रों के साथ साझा कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए, हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचती रहे। बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जनाब, ये चैनल है आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी, आपका चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा, क्योंकि इस चैनल्स की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस पे पढ़ें, मेरा यही उद्देश्य है, मेरी यही भावनाएं हैं हर बच्चे के साथ। आज वन शॉट है, तैयार रहिएगा। आज वन शॉट का जो पीडीएफ है बच्चे, और कल परसों जो भी तीन दिन का पीडीएफ हम आप तक पहुंचाएंगे, वो पहुंच रहा है इस टेलीग्राम हैंडल पे जिसका नाम है योगेश सर बायोलॉजी। लगभग 58,000 बच्चे आपका वहां पर इंतजार कर रहे होंगे, 58,000 बच्चे हमारे टेलीग्राम हैं, योगेश सर बायोलॉजी टेलीग्राम हैंडल का हमारे नाम है, जाइए फॉलो करिए उसे और उस पे सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरी एनर्जी बनाए रखने के लिए कमेंट सेक्शन पे एक बार रफ्तार कर दीजिए कि यस सर, वी आर रेडी फॉर द सेशन, हम सेशन के लिए तैयार हैं और हम पढ़ेंगे आज का जबरदस्त सेशन। हमारे साथ आज है राकेश तलवार, सनी, खुशी, हनी, स्वीटी, अरे आज ऐसी नाम है, सोना, पायल, सरस्वती, जाशिन, यादव, अश्विन, अहमद, नूर, अंकित, रामबाबू, और है श्रुति हमारे साथ, विश्वकर्मा जी, प्रीति, अखिलेश, गरिमा, चंदन, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, सभी लोग आज हमारे साथ हैं। सबसे पहली बात, ये चैप्टर मानव जनन, कितने क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो आप इस बात को समझ लीजिए, अगर हम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्वेश्चन जो है वो पक्का डायग्राम का आएगा, एक क्वेश्चन पक्का डायग्राम का आएगा, और वो बात ध्यान रखना, वो डायग्राम आपको 3 मार्क्स के जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन जो है वो आए, 1 से 2 क्वेश्चन जनरली आता है एमसीक्यू, ये बाकी बोर्ड के लिए है, पर अगर हम यही बात बिहार बोर्ड के लिए कर दें, सो बिहार बोर्ड के लिए बाबूजी इस पे कम से कम 5 से 6 एमसीक्यू आ सकते हैं, 5 से 6 एमसीक्यू बिहार बोर्ड के लिए आएंगे। एक और बड़ी बात बेटा जी, इस पे एक मैकेनिज्म बहुत पूछा जाता है, एक 3 मार्क्स का, 2 to 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मार्क्स होंगे आपके या तो शुक्राणु जनन को लेकर, या तो शुक्राणु जनन को लेकर आएगा, और या तो अंडाणु जनन को लेकर आएगा। तो इस तरीके से आप इन 2 टॉपिक पे खूब सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। डायग्राम आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज का ज्यादातर पूछेगा, एक तो नर जनन तंत्र का डायग्राम पूछेगा, दूसरा हो सकता है मादा जनन तंत्र का डायग्राम पूछ दे, और तीसरा हो सकता है शुक्राणु का डायग्राम पूछ दे। ये 3 बातें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इनको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, सारी चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये टॉपिक आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, मतलब आप ओवरऑल जो है वो 8 से 10 मार्क्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, 8 से 10 नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर मैं यही बात नीट के लिए कहूं, तो नीट पे इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जनरली 3 क्वेश्चन ही आता है, पर कभी कभी 4 क्वेश्चन भी अब इस साल आ सकता है, मतलब पक्की बात है भाई कि आपके पास में 12 से लेकर 16 मार्क्स आप इस नीट वाले टॉपिक पे कवर करेंगे।
तो इस तरीके से ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कमेंट नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, एनसीईआरटी लेकर बैठ जाइए, अपने नोट्स उठा लीजिए और उन सभी चीजों को देख देख कर चीजें कवर करते रहना। एग्जाम से पहले हर एक चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए, वन शॉट है, मजेदार है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो मैं बताऊंगा, तो ये वो पांच है। वैसे तो हर चीज जरूरी है, पर टॉप फाइव क्वेश्चन मैं अगर आपके साथ साझा करूं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अपरा की परिभाषा दीजिए, अपरा के कार्य बताइए प्लासेंटा के बारे में। दूसरा, पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तीसरी बात, मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव शुक्राणु जनन, और यही साथ साथ कभी कभी अंडाणु जनन भी पूछता है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया समझाइए। एंड लास्ट, सबसे जरूरी पार्ट है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इतना पढ़ लेंगे तो भाई अगर इतना कर डाला तो इस बार का पेपर झिंगा लाला, मजा आ जाएगा सारी चीजें करके। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पढ़ के इतना बस पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट में से पूरे में से पूरा आ जाए, मतलब ये होता है यार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के 70 में से 60 नंबर लाए जा सकते हैं, 62 नंबर लाए जा सकते हैं, 65 नंबर लाए जा सकते हैं, मोस्ट बहुत ज्यादा अच्छे टॉपिक फंस गए तो। पर अगर हमें लाना है 70 में 70, हमें लाना है 70 में 69 मार्क्स 68 मार्क्स लेकर आने हैं, तो हम पूरा पढ़ना पड़ेगा और वो पूरा पढ़ने के लिए हर एक चीज जानकारी होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं आज का सेशन, मानव जनन। सबसे पहली अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेरे साथ डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं आपको पहली बात बता दूं बेटा, अगर आप मानव के बारे में बात कर रहे हैं तो मानव के बारे में आपको याद रखना कि मनुष्य जो है बेटा शिशु प्रजनक होता है, शिशु प्रजनक होता है। प्रजनक का मतलब है, इसे हम कहते हैं जरायुज, हम इसे कहते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं वो जरायुज होते हैं, ये बात जरूर ध्यान रख लेना, जरायुज होते हैं। इसके अलावा इनका जो जनन होता है मेरे बच्चे वो लैंगिक जनन होता है, और मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, मतलब एक बार या तो नर होगा या तो मादा होगी। तीन बातें दिमाग में पहले बैठ जानी चाहिए। सबसे पहली बात, जरायुज हैं, शिशु प्रजनक हैं, लैंगिक जनन करते हैं, एक लिंगी होते हैं। हम अगर इस पे समझने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर जनन करना है तो हमें लैंगिक अंग की बहुत जरूरत है। हम लैंगिक अंग में सबसे पहले नर के बारे में बात करेंगे, फिर मादा के बारे में बात करेंगे। तो लैंगिक अंग दो प्रकार का होता है बेटा, एक का नाम होता है प्राथमिक लैंगिक अंग। सारे बच्चे जरूर दिमाग में बैठा के रखिएगा कि एक लैंगिक अंग जो होता है उसे हम कहते हैं प्राथमिक, और जो दूसरा पार्ट आता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, लैंगिक अंग और प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग में मेजर डिफरेंस है क्या? प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं ये होते हैं गोनेड्स। गोनेड्स का मतलब होता है जहां युग्मक जनन होगा, जहां युग्मक निर्माण होगा। सो युग्मक निर्माण करेंगे, और युग्मक निर्माण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है बेटा जी? वृषण, और होती है अंडाशय में। तो कभी भी आपसे पूछे कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है, वो अंग है जहां पर युग्मक का निर्माण होगा। जहां पर युग्मक का निर्माण होगा वो लैंगिक जनन है, और वो दो प्रकार से दो होते हैं, वृषण और अंडाशय। आप सभी जानते हैं वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है बच्चे, और अंडाशय में होता है आपके अंडाणु का निर्माण। दिमाग में बैठ रहा है, कमेंट पे एक बार जरूर बता देना। द्वितीयक लैंगिक अंग होता है यहां युग्मक का संलयन, यहां युग्मक का स्थानांतरण होगा, यहां युग्मक का स्थानांतरण होगा, यहां युग्मक का संलयन होगा, यहां पर जो है ग्रंथियां हो सकती हैं, सिक्रीशन होगा, आदि कार्य संपन्न होंगे। तो जहां पर आदि कार्य होंगे, मतलब सपोर्टिव जो फंक्शन होंगे वो द्वितीयक लैंगिक अंग में होते हैं, और जो मेन बनाने का काम है वो प्राथमिक लैंगिक अंग में होता है। आप दिमाग में बैठा लीजिए।
अगर हम बात करें कि जहां शुक्राणु और सॉरी वृषण और अंडाशय को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो बाकी सारे द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में ही होते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, आप में से कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो इस डायग्राम को बना सकते हैं और कितने सारे बच्चों को मेरे साथ अभी भी बनाना है। अगर आप लोगों की ज्यादा संख्या हुई कि मैं बना के आपको दिखाऊं, अगर आप यस कहेंगे तो बना दूंगा, अगर मतलब सॉरी अगर आप यस कहेंगे तो आप बना सकते हैं, और अगर नहीं बना सकते तो आप नो ऑप्शन लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको जरूरत होगी कि मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो फिर मैं डायग्राम आपके साथ बनाऊंगा और आप मुझे 2-3 मिनट का वक्त लेंगे। क्या लगता है बन जाएगा? यस कह रहे हैं, नो कह रहे हैं, मतलब नो मतलब मैं बनवाऊं और यस करने का मतलब आपसे बन जाएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे नो के ऑप्शन में है, मतलब बहुत सारे बच्चों को मेरे साथ बनाना है कि अगर एग्जाम में 5 मिनट में ये डायग्राम बनाना हो और ज्यादा समय ना लगे तो हम कैसे बनाएं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, देखो बहुत सिंपल सा पार्ट है। जब भी डायग्राम स्टार्ट करना तो आप ये बात याद रखना, एग्जामिनर आपकी पेंटिंग स्किल नहीं देख रहा है कि आप एकदम साक्षात बनाओगे तभी एकदम बनेगा। आप उसके हिसाब से चीजें बस याद रखिएगा, बस मामला बन जाए आपका, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया से बनाइएगा एकदम, ऐसा भी नहीं कि एकदम साक्षात वही दिखाई दे, एकदम वही का वही, एकदम बिल्कुल भी फर्क ना आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बस अपनी प्रैक्टिस स्किल दिखानी है कितने अच्छे से आपसे डायग्राम बन सकता है, बस मेन चीज वही होती है। मेरे साथ बनाते रहिएगा, नाम सारी चीजें बता दूंगा आपको मैं, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और आज इस वन शॉट में पूरी चीज मैं आपको वैसे भी पढ़ाने वाला ही हूं। तो बेका ज्यादा बड़ा बन गया, आप और आराम से बनाएंगे और शांति से बनाएंगे और अच्छा डायग्राम बनेगा, पर फिलहाल आप हमारे साथ बना रहे हैं तो थोड़ी जल्दबाजी में बनाएंगे तब भी चल जाएगा। शुरुआत करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज शुरुआत आप यहां से करिएगा जनाब, यहां पर आप सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को बहुत शांति से बनाइए। ये है हमारा शुक्र जनक नलिका, बहुत मन लगाकर इसे बनाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर शुक्र जनक नलिका को आपस में मिला दीजिए और मिलाने के बाद यहां पर आप वृषण जालिका के निर्माण को कर लेंगे। वृषण जालिका निर्माण जैसे ही हो जाएगा वहां से ऐसी बहुत सारी पाइप आगे की तरफ में जाएगी जिसे हम शुक्रजनक नलिका शुक्र वाहिका कहेंगे, और फिर शुक्र वाहिका की पाइप एक ऐसी आएगी और इस पाइप से हम ऊपर की तरफ में जाएंगे, ये पाइप ऊपर की तरफ में ऐसे निकल जाएगी। ओके, ये पाइप आगे की तरफ में चली गई। अगर मैं सभी नामों के ऊपर डिस्कशन करूं तो बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहली जनाब ये है शुक्रजनक नलिका, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है शुक्रजनक नलिका। ये जो बाहर से कवर करके रखा हुआ है इसका नाम है वृषण कोष। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसका नाम फिर होगा वृषण जालिका, इसका नाम होगा मेरे बच्चे वृषण जालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद ये जो पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं शुक्र वाहिका यानी वासा इफरेंसिया। इसके अलावा ये जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं बेटा अधिवृषण यानी इपीडिडाइमस, और इपीडिडाइमस के बाद ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसका नाम होता है शुक्रवाहक। लाइन से जरूर नाम लिख लीजिएगा, इसके एक एक चीज पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल दिमाग में बैठाकर कर लीजिएगा कि ये चीज हमें याद रहे। वृषण कोष से स्टार्ट करिए, शुक्रजनक नलिका में, वृषण जालिका में, शुक्रवाहिका में, अधिवृषण में, शुक्रवाहक में, यहां तक बढ़िया तो मामला क्लियर है। आगे बढ़े, ये जो पॉइंट है भाई साहब इसके पीछे की तरफ में यहां पर 2-3 ग्रंथियां हमें बनानी होती हैं। एक ऐसी बड़ी सी ग्रंथी पहले हम बनाएंगे जो दोनों तरफ रहेगी, फिर एक और बड़ी सी ग्रंथी बनाएंगे जो भी दोनों तरफ रहेगी लेकिन एक ही रहेगी, इसके बाद एक और छोटी ग्रंथी बनाएंगे ये भी दोनों तरफ रहेगी।
ये जिस जगह पे प्रेजेंट है बेटा जी, उसके पीछे की तरफ में एक बड़ा सा भाग रहेगा जिसे हम कहते हैं मूत्राशय। ये भाग है मूत्राशय। कौन सा भाग है बच्चे? मूत्राशय। मूत्राशय के नीचे की तरफ में अगर अपन देखें तो ग्रंथियों पे सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है? कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। शुक्राशय। ये कौन सी ग्रंथि है? इस ग्रंथि का नाम है बाबू पुरस्थ। और सबसे आखिरी में ग्रंथि का नाम है, इसे हम हिंदी में कहते हैं काउपर्स। काउपर्स ग्रंथि कहते हैं और इसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथरल ग्रंथि। एक बात यहीं पे पढ़ लीजिए कि इसकी संख्या दो होती है, इसकी संख्या भी दो होती है, इसकी संख्या एक होती है, इसे पुरस्थ कहते हैं। इसे हम पुरस्थ कहते हैं जनाब। और ये भाग जो है आपका, ये होता है मूत्र मार्ग। इज अ कॉमन पाथवे फॉर सीमेन, एंड सीमेन के साथ साथ बाकी भागों का भी ये मुख्य भाग है। अगर हम इस भाग की तरफ में जाएं बच्चे, तो इसका नाम होता है शिश्न मुंड। और शिश्न मुंड के ऊपर जो कवरिंग है उसका नाम है अग्रच्छद। देखिए, पढ़ने की तो बहुत सारी बातें हैं, पर अगर इतनी बातें जनाब आपने कर ली, मामला क्लियर है, आपको कोई हटा नहीं सकता। इस तरीके से पॉइंट में आप लोग बना दीजिएगा। पेपर में अगर आप ऐसे भी बनाकर आप एक्सप्लेन अच्छा करते हैं तो नंबर पूरे मिलते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने थोड़ा और जल्दबाजी में बनाया है, आप थोड़ा और पेशेंस के साथ बनाना। डायग्राम डन। कॉमेंट सेक्शन पे रफ्तार बताइएगा कि हां जी, हम थोड़ा और मन लगाकर ये डायग्राम बना लेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी कहानी, एक एक करके सबके बारे में समझना, सबके फ्लो चार्ट को समझना। आइए सबसे पहले हम बताते हैं वृषण के बारे में। बेटा जी वृषण, वृषण यही वो भाग है जहां पर सबसे ज्यादा स्पर्म बनते हैं। अगर हम वृषण की बात करें तो बेटा जी, ये जन्म से पहले लगभग 7वें महीने 8वें महीने के भ्रूण तक ये उदर गुहा में होता है शरीर के अंदर, पर 7वें महीने के बाद इसे शरीर से बाहर आना पड़ता है एक कोश में, जिसका नाम है वृषण कोश। तो कभी भी तुमसे पूछे कि वृषण रहता कहां है, तो जन्म से पहले उदर गुहा में, जन्म के बाद वृषण कोश में। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि शरीर से इसे बाहर भगा दिया गया, वृषण कोश में रख दिया गया? ये मजबूरी थी तापमान की। हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस वृषण का तापमान कम होना चाहिए। यह आवश्यक है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, शुक्राणु जनन के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक विशेष प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। ये याद रखिएगा, मैंने मेंशन नहीं किया है जरूरी के लिए, क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। और ऐसी स्थिति में मनुष्य को स्पर्म बनाने की जो क्षमता है वो नहीं पा पाता, और वो बाद में कैंसर आदि का रूप बन के वो मृत्यु अवस्था तक भी जा सकता है। शुरुआत करते हैं आवश्यक बिंदुओं पे। सबसे पहली बात, शरीर में वृषण, वृषण गुहा के बाहर होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं जनाब, जहां पर ये चीजें होती हैं। और इसलिए ये वृषण कोश में होता है ताकि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके, जो आवश्यक है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। मामला क्लियर है। अगर शरीर के बाहर है तो यह अपने तापमान को मेंटेन रखता है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की वाहिकाएं होती हैं, पेशियां होती हैं, उन पेशियों की सहायता से ठंड के समय पे इसे जब गर्मी चाहिए होती है तो ये शरीर से चिपक जाता है, और गर्मी के समय जब इसे ठंडक चाहिए होती है तो ये ज्यादा लटक जाता है और शरीर से दूर चला जाता है। तो हमारे पास में इनके लिए जो स्पेशल पेशियां हैं, है ना, वो पेशियां इनके तापमान को ऊपर नीचे करके मेंटेन करती हैं। वृषण कोश एक ऐसी संरचना है जो फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है, ये बात ध्यान पे रखना। अब सवाल लगे कि ठीक है भाई, हम वृषण को जान गए, क्या होता है वृषण में? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। एक वृषण में कितने लोब्यूल होता है? 250 लोब्यूल होते हैं, 250 वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं मेरे बच्चे, ऐसा ये लोब्यूल दिखाया जाता है। इनमें से अगर मैं एक लोब्यूल के बारे में बात करूं कि उसमें क्या क्या होता है, तो पता चलता है कि एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम एक लोब्यूल को देखें, एक वृषण पालिका को देखें, तो इसके अंदर 1 से 3 कितना बंधु, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनक नलिका होती है,
और ज्यादा डिटेल में आपको जानना है तो मेरी क्लासेस ऑलरेडी हैं इस चैनल पे, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। चूंकि आज का वन शॉट है, छोटी क्लास में डेढ़ घंटे में खत्म करना है उससे पहले भी, तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ना पड़ेगा। नोट्स ऑलरेडी मेंशन है। क्या है भैया ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसे हम कहते हैं, होता है कभी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्पर्म कहां बनता है, स्पर्म बनने की जगह कहां है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही बनता है। ठीक है, तो हम सारी बातें जो पढ़ रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ही पढ़ते हैं। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखें बेटा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस देखने वाली बात में ये पता चलेगा कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके अंदर दो विशेष प्रकार की कोशिका होती है। मैं डायग्राम बना देता हूं, तो मान लो एक ऐसा ब्लू 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 कोशिका आप बना लेंगे, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है, एक बड़ी कोशिका बना लीजिए और एक ऐसा येलो 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 दूसरी कोशिका बना लीजिए। इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बंधु, और उसमें से पहली कोशिका जो येलो वाली है मान लो, इसका नाम है सर्टोली सेल। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली कोशिका आपने बनाई है इसका नाम होता है शुक्र जनक कोशिका, मतलब स्पर्मेटोगोनिया। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए कि शुक्रजनक नलिका के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी कोशिका होती है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया, ये दोनों द्विगुणित होती हैं। इसका काम है स्पर्म को पोषण देना, बाद में देगा, तब तक हम समझेंगे। इसके अलावा ये जो खाली जगह बीच का दिख रहा है, यहां पर भी कुछ ऐसा, आप देखो कोशिका जैसा कुछ तुम्हें दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैंने ऐसा ब्लू ब्लू बना दिया। इस भाग को कहते हैं बेटा अंतराली अवकाश, और इधर जो कोशिका होती है उसे हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बच्चा लीडिक कोशिका। इस कोशिका का दूसरा नाम है लीडिक कोशिका, यह एंड्रोजन नामक हार्मोन मुक्त करती है और बहुत जरूरी कोशिका है। एंड्रोजन नामक हार्मोन मुक्त करती है, यह रिलीज करती है। तो टोटल कितनी कोशिका हो गई भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो, सर्टोली और शुक्रजनक नलिका, और उसके बाहर की तरफ अंतराली अवकाश में मुख्य रूप से लीडिक कोशिका। बढ़िया, क्लियर हो गया। अरे मामला डन है ना जी, शेयर वेयर नहीं करेंगे, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो शुक्रजनक नलिका के भीतर, अगर आप नलिका के भीतर देखें तो दो कोशिका है, पहली जर्म कोशिका जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, और दूसरी हमारी सर्टोली कोशिका है। इसके अलावा कभी कभी कुछ और कोशिका भी हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करती हैं, जो कुछ लोग हमारी इम्यूनिटी के लिए भी काम करती हैं, वो भी कोशिका अंदर होती हैं, ये मामला भी बनता है। अगर हम आगे की तरफ में जाएं तो हमारे पास में नरजर्म कोशिका ही आगे जाकर शुक्राणु बनाएगी। नरजर्म कोशिका जो है वही आगे जाकर शुक्राणु बनाती है बंधु, शुक्राणु बनाने के लिए वही जानी जाती है, यह भी मामला ठीक है। सर्टोली कोशिका का काम है पोषण देना। स्पर्म को जर्म कोशिका जब बन रही होती है तो उसे पोषण देने का काम है सर्टोली का। किसको? जर्म कोशिका को, मतलब स्पर्मेटोगोनिया को। स्पर्मेटोगोनिया को पोषण देने का काम है हमारी सर्टोली कोशिका का, स्पर्म बनाने का काम है स्पर्मेटोगोनिया का। मामला सेट है बंधु। इसके अलावा एक अवकाश भी है, इस कॉल्ड अंतराली अवकाश, और इस अंतराली अवकाश में रक्त की वाहिकाएं होती हैं, और दूसरी कोशिका का नाम है लीडिक कोशिका। दूसरी कोशिका का नाम है लीडिक कोशिका। अब ये लीडिक कोशिका क्या करती है भाई? तो ये पुंजन हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन, और यही है मेन लड़कों का सेक्सुअल हार्मोन एंड्रोजन, जो सारा कुछ बनाएगा। तो एंड्रोजन वो हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करता है, वगैरह 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 वगैरह। कॉमेंट सेक्शन रफ्तार से एकदम ऐसा बढ़िया थम्स अप दिखाइएगा कि हां जी डन है भाई साहब, डन है। ठीक है, ये तो हो गई वृषण की बात। वृषण के बाहर की तरफ में अगर हम जाएं तो हमें यह समझ में आया कि वाहिकाएं हैं। कौन कौन सी? रास्ता क्या है? तो रास्ता मैंने आपको बताया था भाई कि शुक्रजनक नलिका है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद बाहर कुछ है। अगर मैं बाह्य जननांग की बात करूं, अगर मैं बाह्य जननांग की बात करूं कि इसके ऊपर क्या सवाल आ सकता है, तो इसके ऊपर सबसे पहला भाई जरूरी बात है कि शिश्न काहे चाहिए जी, क्यों जरूरी है शिश्न? तो पता चला कि यहीं से जो है जनन होता है,
यहीं से जो है सेक्सुअल क्वाइटस होता है, जनन करने के लिए जरूरी है और शिश्न के द्वारा ही मूत्र बाहर निकलता है, शिश्न के द्वारा ही वीर्य भी बाहर निकलता है, ये दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। देयर आर कॉमन पाथवे बिटवीन किसके किसके लिए, फॉर बोथ बोथ स्पर्म मतलब सॉरी सीमेन एंड यूरिन, दोनों के लिए, दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। यहां लड़कों में दो पोर नहीं होता, एक ही रास्ता है जहां से मूत्र भी निकलेगा और जहां से वीर्य भी निकलेगा, ठीक बात है। इसके ऊपरी वाले भाग को ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, शिश्न मुंड कहा जाता है, यह भी बहुत सिंपल बात है। इनके ऊपर एक आवरण है, इस कॉल्ड अग्रच्छिद, इसे फोर स्किन कहते हैं, मामला यह भी बहुत सिंपल है, दिमाग में बैठ जाएगा। अगली कहानी पे पहुंचे, अगली कहानी ऐसी है भाई कि इनके पास ग्रंथियां भी होती हैं। मेल में तीन ग्रंथियां होती हैं, मैंने आपको बताया तीन ग्रंथियां होती हैं, पहली शुक्राशय है, जो जोड़े में होती है, दूसरी पुरस्थ ग्रंथि जो अकेली होती है, तीसरा काउपर्स यानी बल्बोरेथ्रल, ये भी जोड़े में होती है। कहने को ये तीनों मिलाकर एक द्रव बनाती है। इस द्रव में मुख्य रूप से जो शुक्राशय है वो फ्रुक्टोज मुक्त करता है। फ्रुक्टोज एक विशेष प्रकार का शर्करा है जो शुक्राणु को पोषण देने के काम आता है। तो शुक्राणु कौन सी शर्करा को खाता है? फ्रुक्टोज को खाता है। ऐसा फ्रुक्टोज जनाब स्पर्म के अलावा सीमेन के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए इस ये बताता है कि कहां पर सीमेन है। इस फ्रुक्टोज की वजह से बलात्कार वाले केस में, रेप वाले केस में फीमेल के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का पता लगाने के लिए फ्रुक्टोज की टेस्टिंग की जाती है। अगर ये वेजाइना के अंदर मिला मतलब सीमेन अंदर गया है, रेप हुआ है, और अगर ये नहीं मिलता है मतलब वो रेप का जो चांस है वो फॉल्स केस है, उसमें रेप नहीं हुआ है। मामला समझ में आया? So, हमारे पास तीन ग्रंथियां हैं, सेमिनल वेसिकल, पुरस्थ और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल। तीनों मिलाकर एक विशेष प्रकार का प्लाज्मा रिलीज करते हैं, द्रव रिलीज करते हैं, उसमें मुख्य रूप से फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है। फ्रुक्टोज रिलीज होता है बेटा, मतलब होता तो बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ रिलीज करते हैं, पर फ्रुक्टोज मुख्य रूप से सेमिनल वेसिकल से, कैल्शियम और जो आपका जो सिट्रिक एसिड होता है वो मुख्य रूप से रिलीज होता है पुरस्थ ग्रंथि से, और इससे ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये रिलीज करती है स्नेहक, जस्ट लाइक ग्रीस, जस्ट लाइक ग्रीस। जैसे आपके त्वचा जो है फट रही है, घर्षण हो रहा है, तो यहां पर आप बोरोप्लस लगा लेते हैं, काइंड ऑफ ऐसा ही एक चीज रिलीज होती है सेक्सुअल क्वाइटस के दौरान, जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस को एक गुड मूवमेंट में कन्वर्ट करने में आवश्यक होता है। इससे एक द्रव रिलीज होता है स्नेहक, जो जरूरी है पीएच मेंटेन करने के लिए, जो जरूरी है बैक्टीरिया आदि को मारने के लिए, और जो जरूरी है सेक्सुअल क्वाइटस के दौरान घर्षण से बचाने के लिए। तो तीनों मिलाकर क्या मुख्य रूप से बेटा? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम। अरे एंजाइम कहे जी, एंजाइम इसलिए चाहिए ताकि अगर कभी मान लो सीमेन शरीर से बाहर निकल जाए, तो शरीर से बाहर निकल जाए और अगर निषेचन नहीं कर रहा है तो उसका थक्का जमाने में, सीमेन अगर शरीर के बाहर अगर निकल जाए तो वो मुश्किल से 30 मतलब 20-22 मिनट के अंदर पूरा थक्का बना लिया जाएगा, थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है पूरा, मतलब जैसे रक्त का थक्का जमता है वैसी थक्का जम जाता है, सूख जाएगा पूरा, ये एंजाइम की वजह से होता है। अगर ये फीमेल वेजाइना में पहुंच गया तो रक्त का थक्का टाइप का नहीं जमेगा, तो वो भी एंजाइम की वजह से ही होता है, तो ये सब जरूरी है। बल्बो यूरेथ्रल स्नेहक मुक्त करता है, लुब्रिकेशन मुक्त करता है, जो मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन का काम करता है ताकि ज्यादा घर्षण आदि ना हो, ये जरूरी है इस जगह के लिए। मामला क्लियर? पक्की बात दिमाग में बैठा है, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन पे रफ्तार पहुंचते रहना चाहिए कि ये चीज जरूरी है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। आप एक फ्लो चार्ट जरूर बना लेना कि स्पर्म बना कहां, फिर कहां गया, फिर कहां गया और फिर कहां गया। ये आपके पास एक फ्लो चार्ट निकल कर आएगा मेरे बच्चे कि शुक्र जनक नलिका से शुक्र जालिका में जाएगा, फिर शुक्र वाहिका में, फिर अधिवृषण में, फिर शुक्र वाहक में, और उसके बाद फिर वो डायरेक्टली जाएगा यहां से, एक पार्ट आता है सामान्य मूत्र मार्ग, ये एक पार्ट आता है उसके बाद मूत्र मार्ग में, और इसके बाद शिश्न मुंड से होता हुआ मतलब जिसे अपन कहते हैं कि द्वार जो होगा द्वार से बाहर।
तो ये फ्लो चार्ट जरूर याद रख लीजिएगा भैया कि स्पर्म बनता कहां है, शुक्रजनक नलिका में, फिर जाएगा वृषण जालिका में, फिर शुक्रवाहिका में, फिर अधिवृषण में, फिर शुक्रवाहक में, एंड आगे, आगे आगे होता हुआ आगे पहुंच जाएगा। एक बड़ा सवाल आता है कि भाई अधिवृषण के तीन और भाग है, अधिवृषण के तीन भाग है, अगर आप अधिवृषण को ऐसा ऐसा आप बनाओगे तो अधिवृषण के दो तीन भाग आप बनाएंगे। सबसे ऊपर वाला भाग का नाम होता है बेटा कॉपुट, बीच वाले भाग का नाम होता है कॉर्पस, और नीचे वाले भाग का नाम होता है कौडा। ये तीनों भाग मिलकर अधिवृषण बनाते हैं, एपिडिडाइमस बनाते हैं, अधिवृषण कहते हैं इसको, ये बात याद रखना। एक सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कॉमन है, कि अगर बताओ मैं यहां पर शुक्रवाहिका को बीच में काट दूं और बांध दूं तो स्पर्म कहां को कहां से नहीं जा पाएगा, तो स्पर्म जो है वृषण जालिका से अधिवृषण में नहीं जा पाएगा। एक और क्वेश्चन है, शुक्रवाहक को काट के बांध दे जिसे नसबंदी कहते हैं, अगर हम इसको बांध दिए तो अधिवृषण से बाहर नहीं जा पाएगा। एक बात और बताएं बच्चे आपको, यह भी नीट का बहुत फेवरेट प्रश्न है कि वृषण असल में हम कह तो बहुत किसको दिए, पर वृषण के अंदर कौन कौन है और वृषण के बाहर कौन कौन है। तो वृषण के अंदर असल में आपको शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका जिसे हम कहते हैं वो है, शुक्रजनक नलिका है, साथ ही साथ में वृषण की जो आपके पास में वृषण की जालिका है, और तीसरा भाग आता है जिसे अपन कहते हैं शुक्र की वाहिका यानी वासाइफ्रेंसिया। यही केवल तीनों मिलाकर वृषण बनाते हैं। अधिवृषण शरीर के बाहर होता है, वृषण के बाहर होता है अधिवृषण, क्या बोलते हैं अधिवृषण, मैंने क्या कहा, वृषण के बाहर होता है। तो वृषण के अंदर कौन कौन है भाई, ठीक है जल्दी बताइए, वृषण के अंदर कौन कौन है। वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिका है, वृषण के अंदर वृषण जालिका है, और वृषण वाहिका, तीनों मिलकर वृषण बनाते हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ वृषण के बाहर है, ये सब कुछ वृषण के बाहर है, ठीक है। यही बात है, शुक्रजनक नलिका, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, ये तीन भाग वृषण के अंदर माने जाते हैं, बाकी सारे भाग वृषण के बाहर की तरफ में माने जाते हैं। ये मामला क्लियर हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां तक हमने पढ़कर रखा है, उसके एंजाइम, उसके सारी चीजें पढ़ ली। क्या बोलती है बाबू पब्लिक कॉमेंट सेक्शन पे रफ्तार मारने का कि हाँ बाबू समझ गए हम इस बात को। अगली कहानी पे पहुंचते हैं, मादा जनन तंत्र के विषय पे। अगर हम मादा जनन तंत्र के विषय पे जा रहे हैं, ये रहा वो डायग्राम। मादा जनन तंत्र में आपको एक नई चीज ऐड होती है जिसका नाम है गर्भाशय। ये बाहर की तरफ में ये गुदा द्वार है जहां से मल निकलेगा, और ये मूत्राशय है, यहां से मूत्र का भाग है, और इसी के बीच में योनि से होता हुआ आगे गर्भाशय, योनि से होता हुआ आगे गर्भाशय है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर माना जाता है। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरफ में देखेंगे तो ऐसा 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 भाग दिखाई देगा। यहां पर दो सेपरेट ओपनिंग होती है, दो अलग अलग ओपनिंग होती है, एक मूत्र के लिए और एक जो है योनि के लिए, जहां से सेक्सुअल क्वाइटस यानी संभोग भी होता है, और उसी जगह से हम मानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग भी होती है, वही वो जगह है जहां से बच्चा भी बाहर निकलता है। ये तीनों का काम एकदम अलग है, सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ है, और मूत्राशय मूत्र का जो द्वार है वो एकदम अलग होता है। अगर हम मादा के बारे में बात करें तो मादा की तरफ में अगर हम समझते हैं तो भाई इनके पास एक जोड़ा अंडाशय है, इसके अलावा एक अंडवाहिनी भी है, एक ग्रीवा है, एक योनि है, एक एक्सटर्नल जेनिटिला है, और पेल्विस क्षेत्र में होते हैं, आपको ध्यान पे रखना है। शुक्राणु की फैक्ट्री सेमिनिफेरस टिब्यूल, शुक्रजनक नलिका, मेरे बच्चे उसी को कहते हैं। तो स्त्री का एक जोड़ा अंडाशय है, अंडवाहिनी जो है ओविडक्ट यूट्रस होता है, ग्रीवा है, योनि है, बायजनांग है, एंड पेल्विस है, एंड मैनी मोर थिंग। इस डायग्राम के बारे में क्या विचार है, अगर आप यस कहेंगे तो मैं बना दूंगा, और अगर आप नो कहेंगे तो मतलब आप बना चुके हैं। क्या कहती है पब्लिक, ये डायग्राम मादा जनन तंत्र आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है, बहुत आसान है। अगर नहीं पता तो कॉमेंट सेक्शन पे यस लिख दो, तो मैं इस डायग्राम को अभी आपके साथ बना देता हूं। यस कहेंगे तो बना दूंगा, नो कहेंगे तो नहीं बनाऊंगा। यस कर दें,
यस कर देंगे। चलो तो अब आप यस कह रहे हैं तो बना ही देता हूं। तो सबसे पहले लोग बच्चे कह रहे हैं ये बहुत आसान डायग्राम है, जल्दी बन भी जाता है, कोई लोड का बात है नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली कहानी इस डायग्राम के विषय पे। सबसे पहली चीज आप जब भी बनाएं तो आप शुरू करें यहां पर एक विशेष भाग से, ठीक है, एक विशेष भाग जैसे मान लेते हैं यहां से, ठीक यहां पे भी हम वैसा ही कुछ बनाएंगे, एकदम एग्जैक्ट वैसा ही बनना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, पर कोई बात नहीं, हम बनाने की कोशिश पूरी करेंगे। अब बन जाएगा। ओके अभी ये पार्ट यहां पर हमारे पास में बन के तैयार है। इसके अंदर की तरफ में अगर हम देखें, बस ये इतना डायग्राम हमें अच्छे से बनाना होता है मन लगाकर। देखिए ध्यान से, ये वाला भाग हमारा बच्चे अंडाशय है, अंडाशय के भाग ये वाला भाग जो होता है इसे अपन कहते हैं फिम्ब्री, इसे हम कहते हैं फिम्ब्री यानी इसे अपन झल्लरी कहा जाता है। ये वाला भाग जो है जिसे हम कहते हैं कीप यानी इनफंडिबुलम, ये वाला भाग हमारे साथ कहलाता है एम्पुला, ठीक है। इसके बाहर की तरफ वाले भाग में हम कहते हैं स्थमस, स्थमस कहते हैं। ये वाला भाग जो है हमारा गर्भाशय है, ये वाला हमारे पास गर्भाशय है। ये वाला भाग जो है ये कहलाता है ग्रीवा और ग्रीवा नाल, और ये सबसे आखिरी वाला भाग कहलाता है योनि। दैट्स ऑल, इतनी बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, एक साथ मिलाकर आप इसे बना सकते हैं। इन तीनों चारों को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं बेटा जी अंडवाहिनी। आइए डायग्राम समझा देता हूं, ये तो शॉर्टकट फटाफट वाला था, अगर आपके पास वक्त हो तो आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसा और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। देख लो भाई, ये वाला भाग है हमारे पास, हमारे पास सबसे पहले हम डिंब ग्रंथि अंडाशय से शुरू किए, सबसे पहला भाग झल्लरी यानी फिम्ब्री, फिर कीप यानी इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला तुम्बिका, फिर संकीर्ण पथ, तीनों मिलाकर एक साथ अंडवाहिनी कहलाती है। हम पहुंच गए गर्भाशय में। गर्भाशय के मेरे बच्चे तीन परत होती हैं, उनमें से सबसे पहली परत हम जो मानते हैं वो है आपके पास एंडोमेट्रियम। अंतर की तरफ में ये जो बनाया है हमने, ये एंडोमेट्रियम है। इसके बाद मायोमेट्रियम यानी पेशी गर्भाशय, और उसके बाद परिगर्भाशय यानी बाहर की तरफ में। अंडाशय जहां पे खत्म होता है ये ग्रीवा है, ग्रीवा के अंदर जो नाल है वो ग्रीवा नाल है, और अंत में ये जो होल दिखाई दे रहा है ये योनि दिखाई दे रही है। ये डायग्राम है, आपको हम सारी चीजें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हाँ, मेरे साथ बनाते बनाते जाओगे तो गलत ही बनेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बना रहे हो ना, वैसे धीरे धीरे बनाओगे तो बन जाएगा। मामला क्लियर है, बन ही जाना चाहिए। शुरुआत करते हैं थोड़ा रफ्तार से अब यहां पर कहानी की तरफ में। पहली चीज यह है, हम पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में। यह श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से स्नायु यानी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। इनके बीच में यहां पर ऐसे 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 लिगामेंट पाए जाते हैं, समझे जी। लिगामेंट को कहते हैं मीजोवेरियम, ठीक है, बढ़िया है। इसके बाहर एक पतली उपकला है, एपिथीलियल से ढका हुआ रहता है, और अंदर वाला भाग जो है स्ट्रोमा कहलाता है, जो अंदर की तरफ में रहता है। अंदर की तरफ का भाग स्ट्रोमा है, बाहर की तरफ एपिथीलियल होता है। एक गर्भाशय या अंडाशय आपको ऐसा दिखाई देगा। अंडाशय के अंदर महीने भर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, महीने भर में जो कोशिकाओं का नाम है वो बहुत बदल जाता है। जैसे अगर हम शुरू करें कि सबसे पहले वो प्राथमिक पुटक उसका नाम था, कुछ दिनों के बाद उसका नाम द्वितीयक पुटक, उसके बाद तृतीयक पुटक, उसके बाद ग्राफी पुटक, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से वो जाना जाता है। ये महीने भर में होने वाला बदलाव मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है। कैसे क्या बनता है समझते हैं बाद में। पीठिका के भी दो भाग है बेटा, जो अंदर वाला भाग है एक का नाम है वल्कूट और एक का नाम है मध्यांश, मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला।
आगे की तरफ में अगर हम पहुंचे तो डिंब वाहिनी आने मतलब ये तो हमारा हो गया अंडाशय। अंडाशय को आप जरूर बना लीजिएगा। अंडाशय का बहुत सिंपल वाला भाग है कि अंदर जो भी स्ट्रोमा है उसके दो भाग हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कोशिकाएं बनाते जाना, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, ग्राफी पुटक, फिर फूट के यहां पर ये अंडाणु निकल जाएगा और अंडाणु जो है उसके बाद ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो आप जरूर याद रखें कि पुटक के नाम बदलते जाएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ग्राफी, है ना, और ये कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारे नाम इनके रखे जाते हैं। आप ध्यान से बनाएंगे, डायग्राम देख लीजिएगा, ये वाला आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब आते हैं डिंब वाहिनी में मेरे बच्चे। डिंब वाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर की लगभग होती है, तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है इनफंडिबुलम, सबसे पहला भाग है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के अंत में यहां पर ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अंडाणुओं को ग्रहण करता है, उसे झालर कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं, उसे झालर कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। दूसरे नंबर का भाग यही जो है वो ग्रहण करता है, याद बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा ये बात, बिल्कुल आपस में बात मत करिए, बढ़िया पढ़ते रहिए कि इनफंडिबुलम जो होता है वो इनफंडिबुलम आखिरी भाग है, कीप जैसा होता है, ऐसा नली जैसा, और उसके अंत में होता है हमारे पास में ये जो भाग जिसे अपन फिम्ब्री कहते हैं। दूसरे नंबर का भाग जब हम आगे लेकर जाएंगे उसका नाम है तुम्बिका, यही पर निषेचन होता है बाबू। और तीसरा भाग होता है स्थमस, जो अंत में अंडवाहिनी को गर्भाशय से जाकर जोड़ देता है। कभी भी तुमसे सवाल पूछे कि सबसे ज्यादा निषेचन के चांस कहां है, एम्पुला मेरा बच्चा, एम्पुला। अब आ गए गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय उल्टी नासपति की जैसी संरचना होती है, यह भी स्नायु की सहायता से श्रोणि यानी पेल्विस से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, यह बात बनती है। अब इसके बाद गर्भाशय जो है पतली ग्रीवा के द्वारा योनि में खुल गया, आखिरी में योनि चली गई, और उस बीच के नाल को हम सर्विकल नाल यानी ग्रीवा नाल भी कहते हैं। जो ग्रीवा के बीच की जो नाल है उसको ग्रीवा नाल कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अगली कहानी गर्भाशय की, तीन परत है ध्यान रखना, परिगर्भाशय, पेशी गर्भाशय, अंतः गर्भाशय, तीनों के बाहर में ये ग्रंथिल है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि फीमेल में ग्रंथिल कौन सी परत है, ग्रंथि की तरह हार्मोन हार्मोन थोड़ा बहुत रिलीज कर सकती है, वो एंडोमेट्रियम है। उसके अलावा पेशी गर्भाशय, इसमें पेशियां होती हैं, मायोमेट्रियम, संकुचन शिथिलन करवाती है, बच्चे को बाहर निकालती है। और तीसरी परत है परिगर्भाशय, जो बाहर की तरफ सिर्फ आवरण सुरक्षा देने का काम करता है। इस तरीके से तीन परत हमारे पास में हो गई। अगर हम बाह्य जननांग की तरफ में जाएं, बाह्य जननांग, फीमेल का बाह्य जननांग अगर समझेंगे तो एक ऐसा डायग्राम आपके सामने है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आप ये डायग्राम समझ लीजिएगा तो आपको सारी चीजें वैसे भी समझ में आ जानी। फीमेल वेजाइना के सबसे ऊपर वाले पार्ट में, यहां पर एक मिनट, ये वाला जो सबसे ऊपरी पार्ट है ये मोन्स प्यूबिस कहलाता है, जहां पर हेयर और वसा का जमाव होता है। मोन्स प्यूबिस, हिंदी में इसे कहते हैं बच्चा जघन शैल, हम इसे हिंदी में कहते हैं जघन शैल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। इसके अलावा फीमेल वेजाइना के सबसे ऊपर वाले भाग में यहां पर एक गठान जैसी संरचना होती है, इसे क्लिटोरिस कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है भगसेफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा बाहर से आवरण पाए जाते हैं, ये ऊपर वाला भाग मूत्र मार्ग है। उसके बाद में हमारे तरफ से अगर जाएंगे तो परत पाया जाएगा, तो पहला परत जो होता है बेटा ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये देखना ये मूत्र मार्ग है। हमेशा याद रखना कि मूत्र मार्ग हमेशा ऊपर की तरफ में होता है। फिर दो आवरण है, लेबिया मेजोरा यानी जिसे हम कहते हैं वृहद भगोष्ठ, ये सबसे पहला भाग है। उसके अंदर की तरफ का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ। और उसके नीचे होता है वेजाइना, जहां से योनि कहते हैं हम जिसको, ठीक है, योनि कहते हैं। और सबसे नीचे की तरफ में एनस, जो गुदा द्वार है, जहां से हम मल को बाहर निकालते हैं। तो चार पांच भाग हैं भाई, एक एक करके बारे में, सबके बारे में पूछा जाएगा, ध्यान से, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला आप बोलेंगे मोन्स प्यूबिस, जघन शैल, वशा होती है मेरे बच्चे, यहां पर वशा होती है, और ये गद्दी जैसी संरचना है जो बालों से ढकी है, यहां पर बाल पाए जाते हैं, प्यूबिस हेयर पाया जाएगा। दूसरे बात पे अगर कहें तो लेबिया मेजोरा वृहद भगोष्ठ है, पहला फोल्ड। उसके बाद लेबिया माइनोरा, ये छोटा फोल्ड है। तीसरे चौथे नंबर पे हम योनि का द्वार कहेंगे। बेटा जी योनि के द्वार के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, नाम है हाइमन, योनि छद कहते हैं। माना यह जाता है कि ये योनि छद अगर किसी के शरीर में है
तो लोग समझते हैं कि उसे वर्जिनिटी का साइन है, कौमारी का साइन है, मतलब उसने कभी भी संभोग नहीं किया है, संभोग का अनुभव नहीं किया है। पर हाइमन का होना या ना होना बिल्कुल भी इस बात का प्रतीक नहीं है कि इससे सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हुए हैं या नहीं हुए। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस का होना या ना होना, इसके टूटने पे खून का निकलना, ब्लीडिंग होना, यह बिल्कुल प्रतीक नहीं है कि वो पहले से संभोग का अनुभव उन्होंने कर रखा है। ये बात बिल्कुल याद रखना, ये मतलब एक ऐसी परत है जो बेवजह किसी भी कारण से भी टूट सकती है। इसके ऊपर इज अ मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन क्लिटोरिस, ये अंगुली नुमा संरचना है। जैसा कि नर में क्या बोलते हैं अग्रच्छद जो आपका ग्लैंड पेनिस है बहुत सेंसिटिव होता है, वैसे ये ऑर्गन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, याद रखना। ये क्लिटोरिस कहते हैं हम इसको, ये एक छोटी सी अंगुली नुमा संरचना है, ये भाग बनता है। फीमेल में एक और ग्रंथि होती है बेटा जिसे हम कहते हैं स्तन ग्रंथि, इसका भी लैंगिकता से बड़ा संबंध है, लैंगिक जनन से बहुत बड़ा संबंध है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो उसमें उतक वसा होता है। स्तन ग्रंथि में बेटा 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं जहां पर हम क्या बोलते हैं पालिकाएं, जहां पर दुग्ध बनता है। इनके अंदर गुच्छा होता है जिसे कुपिका कहते हैं, मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको, कुपिका कहते हैं। इन्हीं जगहों से, कुपिका से ही हमेशा दुग्ध बनता है। एक बड़ा सवाल आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्तन ग्रंथि में आखिर दुग्ध बनता कहां है, कुपिका वो जगह होती है। फिर इसके बाद कुपिका जो है वो नलिका में खुलती है, नलिका जो है वो स्तन वाहिनी बनाती है, और स्तन वाहिनी आगे जाकर मिलकर मैमरी एम्बुला से मिलकर लैक्टिफेरस डक्ट बनाएगी और बाहर निकल जाएगी। ये सिक्वेंस बहुत जरूरी है, आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये स्तन है, स्तन के जस्ट बाहर यहां विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं मेरे बच्चे, जिसका नाम है पेक्टोरिलिस मेजर। पेशी का नाम है पेक्टोरिलिस मेजर कहते हैं इस पेशी को। इस पेशी के बाहर की तरफ आप देखें तो यहां पर वसा का जमाव है बच्चा, ये वसा का जमाव है। फिर ये कुपिका बनी, जस्ट लाइक अंगूर का गुच्छा, वैसे ही होती है ये भी अंगूर के गुच्छे के जैसे। तो जो गुच्छा है अंगूर का वो कुपिका है, कुपिका जो है वो मिलकर स्तन पालिका बनाई, स्तन पालिका जो है स्तन नलिका में खुली, स्तन नलिका जो है वो आगे जाकर स्तन कुपिका जो है स्तन नलिका में गली, नलिका जो है तुम्बिका में गई, तुम्बिका जो है लैक्टिफेरस डक्ट में गई, और उसके बाहर वो निप्पल्स की सहायता से बाहर आ जाता है। लाइन से फ्लो चार्ट जरूर लिखना कि सबसे पहले कुपिका है, कुपिका के बाहर जो है इनके पास स्तन नलिकाएं हैं, स्तन नलिका के बाद स्तन वाहिनी है, ठीक है। स्तन नलिका, मैमरी ट्यूब्यूल्स, मैमरी डक्ट, डक्ट के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और जो है दुग्ध जो है बाहर निकलेगा। तो दूध के लिए जो अंदर बाहर निकलने का जो तरीका है वो एल्वियोलाई से शुरू होता है, कुपिका, फिर जाएगी मैमरी ट्यूब्यूल्स, स्तन नलिका, स्तन वाहिनी यानी मैमरी डक्ट, वाहिनी के बाद मैमरी एम्पुला यानी तुम्बिका, तुम्बिका के बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और उसके बाद बाहर निकल जाता है। अगर हम इसको देखने की तरफ में जाएं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है गुच्छे के समान पे, स्तन लिगामेंट की सहायता से शरीर से जुड़ा रहता है। ये लिगामेंट ही है जो उम्र के साथ धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, और स्तन का जो प्रवृत्ति है वो धीरे 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 नीचे होने लग जाती है। शुरुआती समय पे ये स्तन जितना छोटा होता है उसमें कुपिका उतनी छोटी होती है और लिगामेंट्स उतने छोटे होते हैं। ये लिगामेंट धीरे 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 फैलते चले जाते हैं और ये इसे स्तन को बड़ा और नीचे लटकने में बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, उसको पकड़ के रखने में आवश्यक हो जाता है। लिगामेंट उसके लिए जरूरी चीज है, स्तन को जो रोक के रखता है। समझ गए मेरी बात, ये कहानी आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। दो सबसे जरूरी बात मैंने आप तक पहुंचा दी है, क्या कहती है पब्लिक, मामला समझ में है तो आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी पे पहुंचे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि स्पर्म वगैरह कैसे बनता है। सीधा सा सवाल है बच्चे, दो प्रक्रियाएं होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से देखना, ये डायग्राम में ही समझा देता हूं आपको। यौवनारंभ आने पर शुक्राणु जनन शुरू होता है, समसूत्री विभाजन होंगे और बहुत सारी प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बन जाएंगे।
प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बच्चे आगे जाकर अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करने के बाद द्वितीयक शुक्राणु बनते हैं। फिर अर्धसूत्री विभाजन दूसरा वाला होता है, शुक्राणु पुरुषु बनता है और उसके बाद विभेदन होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। ये डायग्राम आप सारे बच्चे अपने दिमाग में बैठा लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। कब किसने क्या क्या किया याद रखना। स्पर्मेटोगोनिया ने समसूत्री विभाजन किया, उसके बाद वृद्धि की तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनी, उसने अर्धसूत्री प्रथम विभाजन किया तो द्वितीयक शुक्राणु बने, द्वितीयक शुक्राणु ने द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन किया तब जाकर शुक्राणु पुरुषु बना और फिर विभेदन हो गया तो शुक्राणु बन गया। वृषण में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म उत्पन्न करता है। यह मामला शुरू कब होता है भाई, ठीक है? तो यहां पर मेरी बात यहां पर याद रखना है, अगर हमारे पास में अगर ये शुरू कब होता है तो किशोरावस्था के दौरान। कब शुरू होता है बच्चे? किशोरावस्था के दौरान शुरू होता है, मतलब यौवनारंभ के दौरान शुरू होता है। यह प्रक्रिया सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। विभाजन का नाम अर्धसूत्री विभाजन है, जहां से कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले भैया इनके पास डायरेक्टली पॉइंट याद रखते हैं कि सबसे पहले इनके पास स्पर्मेटोगोनिया है। रट्टा मार लीजिएगा, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया दूसरे पार्ट में जाता है और यह जो दूसरे पार्ट में जाएगा उसका नाम होता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। लिख लीजिए फटाफट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या बनता है जी? द्वितीयक बनता है, द्वितीयक शुक्राणु बनता है। द्वितीयक शुक्राणु के बाद क्या बनता है? यह बनता है शुक्राणु पुरुषु, शुक्राणु पुरुषु बनता है। फिर क्या बनता है? फिर आखिरी में बन जाता है शुक्राणु। कौन कौन सा कार्यक्रम हुआ है? यह द्विगुणित होता है मेरे बच्चे। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका भी द्विगुणित होता है, यह अगुणित होता है, यह अगुणित होता है, यह अगुणित होता है। कौन कौन से कार्यक्रम करने पड़े हैं? इनके लिए हमें करना पड़ा है समसूत्री विभाजन और साथ ही साथ में समसूत्री के साथ कुछ वृद्धि जैसा चीज भी हमने यहां पर किया है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनाने के लिए हमने यहां पर किया है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। हमने किया है बेटा जी अर्धसूत्री प्रथम, दिमाग में बैठा लेना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और इसके बाद होगा अर्धसूत्री द्वितीय। और अपने दिमाग में बैठना चाहिए कि अर्धसूत्री जो द्वितीय होता है वो भाई साहब शुक्राणु पुरुषु के बाद यहां पर आखिरी में प्रक्रिया होती है जिसे अपन कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। कहिए फटाफट, समझ में आ गया? स्पर्मियोजेनेसिस इसे कहते हैं। ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है? जल्दी बताइए, यहां पर ये बात याद रखना चाहिए। बकवास मत करो, सिर्फ यहां पर पढ़ाई के बारे में बात करो। यहां पर क्या लगती है बात? यहां तक समझ में आया? स्पर्मेटोगोनिया से हमने स्पर्म बना दिया है, यहां पर आपको ध्यान रखना। अभिषेक भारती अगुणित, शाबाश शाबाश, बहुत सुंदर, ठीक है? आया समझ में? ठीक है, चलिए बढ़िया। तो ये बात आप दिमाग में बैठा के रखना, ये सारी चीजें बनती हैं, कैसे क्या क्या बना है आपके हिसाब से क्लियर है। अब एक और पॉइंट आता है बेटा, इसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। जैसे अब मैंने आपको बताया कि शुक्राणु पुरुषु से शुक्राणु बनना, शुक्राणु पुरुषु से शुक्राणु बनना स्पर्मियोजेनेसिस है। और बनने के बाद वो क्या करता है? सर्टोली कोशिका में जाएगा, धस जाएगा, पोषण लेगा और बाहर निकल क्या क्या करेगा? फिर से सोचो, शुक्राणु जो है जाके धसेगा सर्टोली में, वहां से न्यूट्रिशन लेगा और न्यूट्रिशन लेकर भाग जाएगा बाहर। इसे स्पर्मिएशन कहते हैं। तो एक और टॉपिक है वीरसेचन, जिसका नाम है स्पर्मिएशन। सो व्हाट इज स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन मतलब शुक्राणु का सर्टोली कोशिका में धसना, एम्बेडेड होना और उस प्रक्रिया के द्वारा न्यूट्रिशन लेना और शुक्रजनक नलिका से बाहर निकल जाना। बाहर निकलने के बाद इसे स्पर्मिएशन कहते हैं। मामला एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसके लिए कुछ हार्मोन बहुत जिम्मेदार हैं, इनमें से मुख्य रूप से FSH और LH हार्मोन है। आप ये डायग्राम देख लेना, आराम है, बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूं। इन सभी कामों को करने के लिए पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है GnRH। पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GnRH, ये पहुंचेगा पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी यहां से दो हार्मोन रिलीज करेगी, एक का नाम है LH और दूसरे का नाम है FSH।
एलएच का फुल फॉर्म आपको पता होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का फुल फॉर्म आपको पता होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेरे बच्चे लीडिक कोशिका पे जाकर असर करता है और वहां से एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करेगा। सबसे ज्यादा फुल फॉर्म पूछा जाता है जीएनआरएच का, गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। यह गया पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी से रिलीज हुआ एलएच और एफएसएच। एलएच फुल फॉर्म है, एलएच का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिक कोशिका पे असर करता है और जाकर एंड्रोजन नामक हार्मोन मुक्त करेगा जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई। दूसरे मामले में पहुंचे तो एफएसएच में पहुंचे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेरे बच्चे, ये सर्टोली सेल पे जाएगा और सर्टोली सेल जो है एक्ट करता है जाकर ये जा रहे डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, बढ़ाने में मदद करता है। इस तरीके से टोटल चार हार्मोन हो गए, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच और एंड्रोजन, चारों हार्मोन मिलाकर काम करते हैं। कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताना कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बच्चों वो कौन रिलीज करता है, सॉरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां जाकर असर करता है बताइए। ठीक है, बताइए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सिस्टी राज जी, वो मेंस्ट्रुअल की वजह से भी होते हैं और भी बहुत सारे रीजन से ब्रेस्ट में पेन होता है, ग्रोथ की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन की वजह से, मस्कुलर पेन एंड ऑल, बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से मैमरी ग्लैंड्स में पेन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने कार्यक्रम को पढ़ लिया। ये है शुक्राणु की संरचना, इसका डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा, आप लोग जरूर बना लेना, इस पे डायग्राम आपसे बनना ही चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। स्पर्म के सबसे ऊपरी वाले भाग को अग्रपिंडक कहते हैं बेटा, एक्रोसोम, यही है जो ओवा को भेदने के काम आता है। इसके बाद ग्रीवा वाला भाग है, ग्रीवा के बीच में मध्य खंड है बच्चे, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, और आखिरी में टेल वाला भाग है। वैसे पढ़ने की इसमें भी बहुत कुछ बातें हैं, पर फिलहाल आप इस डायग्राम को अपने दिमाग में जरूर बैठा रखना है। ठीक बात है, ये बात आपके दिमाग में याद रखने का है, ये चीज बन जाएगी, डायग्राम बनेगा, कह दो यस। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम आप खुद से याद रखिएगा कि सबसे ऊपर में अग्रपिंडक आप एक लिख लीजिएगा, सबसे ऊपर हेड है, हेड है, फिर नेक है, और उसके बाद टेल है, पूंछ है। अगर हेड वाली भाग की तरफ में जाएंगे तो चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सर के ऊपर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है और उसके ऊपर एक टोपी वाला भाग है, अग्रपिंडक एक्रोसोम कहते हैं। जब एक्रोसोम होता है तो यही है जो एंजाइम की सहायता से निषेचन में मदद करता है। अगली कहानी पे पहुंचे तो मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया, कौन से खंड में, मध्य वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और इसके लिए 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक बार में निकलते हैं। 60% स्पर्म, याद रखना बेटा, 20 से 30 करोड़ में से 60% स्पर्म जो है वो हेल्दी होना चाहिए, निश्चित रूप से समान आकृति वाले होने चाहिए। अगर ये 60% स्पर्म समान आकृति के नहीं होंगे ना तो भैया प्रेगनेंसी ना होएल बा, समझे। अगर प्रेगनेंसी को करवाना है तो 60% स्पर्म जो है आकृति समान सही शॉर्ट होना चाहिए, उसमें से फिर 40% गतिशील होने चाहिए, इनमें से कम 40% जो है बढ़िया गतिशील होना चाहिए, तब ना जाके ओवा को भेदेगा जी। ओवा को भेदने के लिए ताकत लगेल बा, हो ताकत, और ताकत ऐसे ना ही मिलता है, ताकत मिलता है स्पर्म को न्यूट्रिशन ये सब चीजों से मिलता है। तो 40% एकदम गतिशील हो, एकदम लबालब भागने वाला हो, जो जाकर एकदम भेद दे ओवा को, कहेगे हम आए हैं तुम्हारे पास, हमसे मिलोगे कि नहीं मिलोगे, तो बोलेगा मिलेंगे जी। जब मिलता है तो फिर मामला क्लियर हो जाता है। बुझा जी, बुझा, दिमाग में गया। टोटल 20 से 30 करोड़ बने थे, उसमें से 60% सही शॉर्ट आकृति का होना चाहिए और तब जाकर जो है यहां पर एक बनेगा। ओवा कितना है, एक, समझ रहे हैं ना, फीमेल बॉडी का आयरनी समझिए कि एक ओवा है और स्पर्म कितना, 20 से 30 करोड़ स्पर्म उसके पीछे भाग रहा है, और मिलेगा कितने को, एक को, सर्वश्रेष्ठ को। इसीलिए ऐसे यहां पर भागते मत रखिए लफुआ की तरह, बढ़िया थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। याद रखना कि वो एक ओवा जो है 20 से 30 करोड़ स्पर्म के बीच में रेस चल रहा है, तो ऐसा रेस लगेगा तब जाकर मामला समझ में आता है, उम्मीद है दिमाग में गया होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अब अगली कहानी है भाई यहां पर ओजेनेसिस की। ठीक है, ओजेनेसिस में बड़ा सिंपल सा पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान रखना कि ओजेनेसिस में मामला रुक रुक के चलता है। जब आप ओजेनेसिस का डायग्राम बनाएंगे तो इसमें भी आप सिंपल यही बनाएंगे कि भाई विभाजन शुरू हुआ और विभाजन शुरू होने के बाद यहां पे जन्म से ही पहले ही कहानी शुरू हो जाती है।
जन्म से पहले ही कहानी शुरू हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं यहां पर डायग्राम स्टार्ट करूं तो इसका नाम है उगोनिया। भाई साहब जन्म से पहले इसने खूब सारे उगोनियम बना लिए। अब जब इसने खूब सारे उगोनियम बना लिए तो ये कौन सा डिवीजन होगा जी? समसूत्री। ये विभाजन कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन होगा, तभी ना ये सब बना है। फिर इसके बाद इसने क्या किया, आगे जाकर सबसे पहले करेगी अर्धसूत्री प्रथम। तो अर्धसूत्री प्रथम से पहले इसने क्या बनाया होगा, ये अगुणित बनाया होगा, इसका नाम है प्राथमिक अंडाणु। इसने सबसे पहले बनाया होगा बेटा जी प्राथमिक अंडाणु बनाए होंगे, और प्राथमिक अंडाणु बनाने के बाद अर्धसूत्री प्रथम करने के बाद इसने द्विगुणित से बना लिया अगुणित स्ट्रक्चर, और इसका नाम हो गया द्वितीय अंडाणु। अब ये द्वितीय अंडाणु भाई साहब, ये जो विभाजन द्वितीय अंडाणु बन गया, इसके बाद यहां पर क्या होगा, फिर होगा अर्धसूत्री द्वितीय, और अर्धसूत्री सेकेंड जब विभाजन होता है तो एक कोशिका बनती है जिसका नाम है अंडाणु। मेजर मेजर पार्ट आपको यह बात ध्यान पे रखनी है कि शुरू कहां से हुआ और अंत कहां पर हो रहा है। तो यह कार्यक्रम शुरू होता है कि यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो जाती है, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही शुरू हो जाती है। किसी भी फीमेल में मिलियन संख्या में मातृ कोशिका होती है, पर अंत में वो 60,000 से 80,000 ही बसती है। यह प्रक्रिया एक बार शुरू होती है पर रुक जाती है पूर्वावस्था प्रोफेज वन पे। अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था जन्म के बाद रुक जाती है और फिर स्टार्ट हो जाती है यौवनारंभ में, प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। इसके अंदर प्राथमिक पुटक बन जाता है, यहां पर यह कार्यक्रम रुक जाता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होगा और प्रोफेज में रुक जाता है, और उसके बाद फिर अभिक्रिया होती है, आगे बढ़ता है, द्वितीय कंडक बनता है, फिर स्पर्म के इंतजार में रुक जाता है, बोलता है जब तक हम स्पर्म नहीं आएगा तब तक हम बनेंगे ही नहीं। तो यह कार्यक्रम भी यहां पर कुछ ज्यादा पूछा जाता है, आप इस बात को दिमाग में एकदम बात को बैठा लेना, चीजें बन जाएंगी। कहिए हाँ जी बन जाएगा, निषेचन की बात वैसे बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, पर आपको यह बात ध्यान पे रखनी है कि ये चीज बनती है। पुटिका के ऊपर में सवाल आता है कि कभी कभी क्या होता है, तो आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर प्राथमिक पुटक कहा जाए तो उनके बाहर ग्रैनुलोसा लेयर है, अगर ये कहा जाए कि द्वितीयक पुटक है तो उनके बाहर थीका लेयर है, अगर ये कहा जाए कि तृतीयक पुटक है तो इनके पास एंट्रम बन चुका है, और अगर कहा जाए कि तृतीयक पुटक है, चतुर्थक ग्राफी पुटक है, तो सब मैच्योर हो चुका है, सब कुछ मैच्योर हो चुका है, ऐसे लाइन बनता है। आपसे एक बार सीधा सा सवाल पूछते हैं, प्राथमिक पुटक मतलब ग्रैनुलोसा लेयर, द्वितीयक पुटक मतलब इनके पास जो है वो थीका लेयर है, तृतीयक पुटक का मतलब एंट्रम नामक एक कोशिका आवरण बन गया है, अंदर गुहा बन जाती है, और सबसे आखिरी में ग्राफी पुटक कहते हैं। चीजों को बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठा के रखना, जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बाकी सब नोट्स में ऑलरेडी एडेड है, आप इन चीजों को बना लेना। एक और बहुत जबरदस्त जरूरी चीज है भाई, इसका नाम है अंडाणु का डायग्राम। आप अंडाणु का डायग्राम जरूर पढ़ लेना, अगर आप द्वितीय अंडाणु को पढ़ेंगे तो पता चलेगा सबसे बाहर की तरफ में जो लेयर है उसका नाम है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है बच्चे? कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर की तरफ जो परत है उसका नाम होता है जोना पेलिसिडा। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो जोना पेलिसिडा है। उसके अंदर की तरफ में दिखाई दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और परिपीतक अवकाश यानी पेरीप्लाज्मिक या पेरी प्लाज्मिक स्पेस, ये बना हुआ रहता है, और ये है हमारा सेकेंडरी ऊसाइट। डायग्राम याद रखना, सबसे बाहर की तरफ में कौन सी लेयर है? कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर है जोना पेलिसिडा, और उसके अंदर बाकी लेयर है जो बनेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोर्ड की नजर से उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए नोट्स बस मैंने डाल दिया है, आप लोग एक बार रीड कर लेना, और अगर किसी को पढ़ना हो तो मेरी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, तो वो मैंने आपको दे दूंगा वहां पर। अभी बोर्ड की नजर से मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को उतना जरूरी टॉपिक नहीं समझता हूं, और नहीं उतना आता भी नहीं है बहुत ज्यादा। अब हम आते हैं बेटा निषेचन के विषय पे, कि निषेचन क्या चीज होती है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप वहां पर चीजें पढ़ लेना। अगर हम निषेचन के विषय पे बात करें कि निषेचन क्या होता है, तो जनाब स्पर्म एंड ओवा का मिलन, स्पर्म एंड ओवा का मिलन। जब हम स्पर्म एंड ओवा के मिलन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज है इनसेमिनेशन, वीर निषेचन, संभोग होगा, संभोग के दौरान यूरिन जो है, वीर जो है वो सिक्रीट होगा, बाहर की तरफ में निकलेगा। ठीक है,
अंडवाहिनी नली तुम्बिका क्षेत्र एम्पुला तक पहुंचते हैं, अंत में एम्पुला तक वो स्पर्म पहुंचेगा और वहीं पर होगा ओवा, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और उनके बीच में निषेचन होगा। ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, स्पर्म वेजाइना से होता हुआ, सर्विकल कैनाल से होता, यूट्रस होता हुआ, स्टमस होता हुआ एम्पुला में पहुंचेगा, और वहीं जो मादा है वो ओवा से फिम्ब्री, फिम्ब्री से इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम से एम्पुला, और इसे एम्पुलरी रीजन कहते हैं। पहले की बहुत सारी बुक में याद रखना इसमें एम्पुला स्टमस का जंक्शन लिखा हुआ रहता था, पर अभी ये बात याद रखना सिर्फ एम्पुलरी रीजन वो जगह है जहां पर निषेचन हो रहा होगा। निषेचन एक बहुत डिटेल प्रक्रिया है, नीट के लिए, बोर्ड के लिए बहुत सिंपल कार्यक्रम है, तो आप इसे आराम से पढ़ लेना कि सबसे पहले स्पर्म जो है ओवा के पास पहुंचता है, ओवा की जोना पेलिसिडा लेयर में पहुंचता है, और जोना पेलिसिडा लेयर में पहुंचने के बाद उनके बीच में निषेचन होता है। जब वो जोना पेलिसिडा को भेद देता है तो सबसे पहले वो जोना पेलिसिडा को संपर्क में आएगा, जैसे ही जोना पेलिसिडा के संपर्क में आएगा जोना पेलिसिडा इतनी कठोर हो जाएगी कि बाकी के स्पर्म को अंदर आने से रोक देगी। जब बाकी के स्पर्म को अंदर आने से रोक देगी तो फिर उसके अंदर जो है निषेचन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद द्वितीय कंडक निषेचन करने का काम करता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो अंडाणु जनन है वो जन्म से पहले शुरू होता है लेकिन निषेचन के बाद खत्म होता है, निषेचन के समय खत्म होता है, ये लिख लेना। अंडाणु जनन शुरू कब होता है? अंडाणु जनन शुरू होता है जन्म से पहले भ्रूणीय अवस्था में, और खत्म होता है, हमेशा खत्म होगा निषेचन के दौरान। ये बहुत बड़ा सवाल है, आप अपने दिमाग में जरूर बैठा लेना। एक और बहुत बड़ा टॉपिक है, बाकी चीजें आप मेंशन यहां पे रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आखिरी वो भी मैं बोलूंगा प्लासेंटा, और दूसरा कि 9 महीने में बच्चा कब क्या बनता है। प्लासेंटा इस टॉपिक का सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है कि प्लासेंटा है क्या, प्लासेंटा क्या क्या मुक्त करता है। तो जब प्लासेंटा के बारे में याद रखेंगे बेटा तो प्लासेंटा बच्चे को ना ऑक्सीजन भी देता है, पोषण भी देता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और उसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको बाहर भी निकालता है। प्लासेंटा क्या करता है जी? प्लासेंटा ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन देता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर भी निकालता है। प्लासेंटा से मुक्त होने वाले 3 हार्मोन हैं, खास 4 हार्मोन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है। दूसरा हार्मोन है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजेन, और चौथा हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन। कमेंट सेक्शन थोड़ा सा रफ्तार करिएगा, रफ्तार से बताइए कि भाई साहब यहां पर क्या चीज जरूरी है, समझ रहे हैं बात को, कि इस प्लासेंटा 4 हार्मोन, HCL, HPL और आपका HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पोषण की आपूर्ति करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भ्रूण पदार्थों को बाहर निकालता है। अगर हम अगली कहानी की तरफ में चलें तो जो सगर्भता के अंत में अगर हम देखें तो रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है अंडाशय से। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिलैक्सिन कहां से आता है, अंडाशय से रिलीज होता है बच्चे, ये बच्चे को बाहर निकालने के लिए जरूरी होता है, ये प्लासेंटा के काम हो गए। अगर हम ये समझें कि मनुष्य का जो अवधि है वो 9 महीने की होती है, कुत्ते की 2 महीने की, बिल्लियों की भी 2 महीने की, और हाथियों की 21 महीने की अवधि होती है गर्भधारण की। अब इस गर्भधारण में हम 9 महीने में कैसे बनते हैं, कोई भी इंसान 9 महीने में कैसे बनता है ये याद रखना। सबसे पहले भ्रूण का हृदय बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हृदय धड़कने भी लग जाता है, बनता बस नहीं है धड़कने भी लग जाता है, स्टेथोस्कोप से हार्ट सुन भी सकते हो कि यार ये धड़क रहा है। दूसरे पार्ट में अगर पहुंचे कि दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगुलियां भी बन जाती है, दूसरे मंथ के अंत तक पैर और उंगुलियां भी बन जाती हैं, तीसरे महीने मतलब 12वें सप्ताह में बच्चे का पूरा शरीर जननांगों सहित बन जाता है, बच्चों का जननांग सहित सभी हाथ पैर सब कुछ बन गया, ठीक है भाई। चौथे महीने कुछ खास बदलाव नहीं आता, 5वें महीने में एक बड़ा बदलाव देखा गया है, गतिशीलता मूवमेंट होता है 5वें महीने में, और शरीर के जो हेड है वहां के कुछ बाल आ जाते हैं, सिर के बाल उग जाते हैं। अगर हम 6वें महीने पे पहुंचे तो 6वें महीने पे बरौनिया पलकें अलग हो जाती हैं, मतलब पलकें भी बन जाती हैं, बरौनियां भी बन जाती हैं, और शरीर पे बारीक बारीक से बाल आ जाते हैं 6वें महीने में।
दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर में बाल आ जाते हैं, आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं, बरौनियां बन जाती हैं, नौवे महीने तक बच्चा पूरा बन जाता है और नौवे महीने के बाद बच्चा बाहर डिलीवरी होता है। बाहर निकलने के लिए जो रास्ता तय करता है उसे जन्म कैनाल यानी जन्म नाल कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं, जो गर्भाशय, फिर ग्रीवा नाल और उसके बाद योनि के द्वारा बाहर निकलता है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, एक तो न्यूरॉन्स और ब्रेन के द्वारा होने वाला रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रसव कैसे निकलता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, एक संकुचन जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है वो, और दूसरा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। तो कभी भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बच्चा कैसे निकलता है, बच्चे के निकलने का पहला सिग्नल शुरू होता है बच्चे पूर्ण विकसित शिशु और गर्भाशय की प्लासेंटा गर्भाशय की सहायता से। आप ये बात ध्यान रखना कि अंत में सबसे ज्यादा संकुचन होता है और इसका सिग्नल क्या, पहला सिग्नल शुरू होता है इस तरीके से। क्रिया को शिशु जन्म कहते हैं, अंतःस्रावी प्रक्रिया है। तो पूर्ण विकसित शिशु और अपरा, पूर्ण विकसित शिशु और अपरा, ये लाइन जरूर याद रखना। जब बच्चा पूरी तरह से बन जाता है तो बोलता है, ए बाबू हमको निकाल लो, हम 9 महीना हो गया जी, 9 महीना हो गया हमको, बाहर निकालो। और अपरा भी यही कहता है कि हाँ हमारा काम भी खत्म हो गया, चलो अब हमारी सेवा छुट्टी करो। तो ये दोनों बोलते हैं कि हमको निकालो, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और बच्चा बाहर की तरफ में निकलता है। ये दोनों लोग चीज जरूरी है। सबसे अंत की तरफ में अगर हम जाएं कि सब कुछ जब हो गया तो अंत में लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन मतलब जिसे हम कहते हैं कि भैया दुग्ध स्त्रावण होगा। तो दुग्ध स्त्रावण के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जब बच्चा बाहर निकल गया है तो दुग्ध स्त्रावण के लिए एक हार्मोन है, एक तो सबसे पहली बात हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन है, उसके अलावा ऑक्सीटोसिन की वजह से बच्चा का जो दूध है वो बाहर निकलता है। तो ये बात याद रखना, ऑक्सीटोसिन की वजह से दूध पहली बार बाहर निकलता है। पहले दूध का नाम होता है कोलोस्ट्रम और उसके पास में होती है एंटीबॉडी IgA एंटीबॉडी जिसे हम कहते हैं। तो पहले दूध का नाम है कोलोस्ट्रम, उसके पास एंटीबॉडी होती है, नाम है IgA, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिल्क बनता है HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। HCG HPL जो है प्लासेंटल लैक्टोजन मिल्क बनाना शुरू करता है। प्रोलैक्टिन जो ग्लैंड है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो स्तन ग्रंथि का विकास करता है। तो स्तन ग्रंथि का विकास करने के लिए प्रोलैक्टिन है, मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए HPL है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन है, इसके अलावा मिल्क का सिक्रीशन करने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। इन सभी विषयों के बारे में ध्यान से रखिएगा, मैंने जरूरी सभी विषय आप तक रिकॉल कर दिए हैं। और भी कोई चीज अगर आपके दिमाग में परेशान करे तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, पर आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन वो 5 क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही बुना गया था जो मैंने जरूरी आपसे कहे हैं। तो इसलिए उन 5 प्रश्नों को करने के लिए मैंने आपको पूरा वन शॉट दिया है, सभी जरूरी बातें पढ़ा दी हैं जो बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। अंत में आप इतना भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम बेहतरीन और बहुत बेहतरीन हो सकता है। लव यू ऑल गाइज, अपना बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।